सनबर्न में जो झुलसी हुई त्वचा होती है, जो हमारे चेहरे की या हाथों की अलग अलग प्रकार की स्किन हो जाती है, जो पैक्ड रहती है उसका कलर व्हाइट होता है, और जो बाहर रहती है उसका कलर होता है, या गॉगल्स लगाते हैं तो उसका कलर अलग होता है, बाकी चेहरे का कलर अलग हो जाता है। तो इस प्रकार की स्किन को एक जैसा बनाने के लिए, या झुलसी हुई या जो टैंड स्किन होती है, या आपके जैसे जलन होती है, दाग धब्बे हो जाते हैं, रेडनेस होता है स्किन में, तो इन सब चीजों से रिलीफ दिलाने के लिए मैं आज आपके लिए एक ऐसी होम रेमेडी लेके आई हूँ जो सिर्फ दो ही चीजों से मिलकर बनी है और बिल्कुल आसान सी है। ना इसमें किसी प्रकार के कोई मार्केट से खरीदी हुई चीज है, ना ही कोई केमिकल है। मैं इस होम रेमेडी को जब तक तैयार करती हूँ, तब तक आप फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए। वीडियो को शुरू से लेके अंत तक पूरा वॉच करना है, स्किप नहीं करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सरोज चौधरी और मेरे YouTube चैनल हेल्थ एंड फिटनेस वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत। ये होम रेमेडी दो चीजों से मिलकर बनी है। एक फ्रेश एलोवेरा जेल जो हमारे पौधा लगता है उससे फ्रेश लेना है, ना कि आपको किट बेस पे जो आता है उसका यूज नहीं करना है। और एक लेना है कुकुम्बर। ये दोनों ही जो हमारी स्किन में रेडनेस होता है, स्किन का कलर अलग अलग हो जाता है, या फिर स्किन में जलन महसूस होती है, इन सब में राहत दिलाता है और इसका इस्तेमाल करने से आप एक ग्लोइंग स्किन पाएंगे। ये एलोवेरा और खीरा ये दोनों ही विटामिन ई का काम करते हैं, जो आपकी स्किन को बेदाग बना करके हेल्दी बनाते हैं। और साथ ही जैसे जलन महसूस होती है या अलग अलग प्रकार के कलर हो जाती है, रिंकल्स होती है, उसको भी दूर करती है। चलिए अपन इस होम रेमेडी को तैयार करते हैं। खीरा को छील करके उसको सबसे पहले कद्दूकस करेंगे। छीलने के बाद इसको किसी मोटी चलनी से या मोटे कपड़े से इसको छानना है। ये मैंने एलोवेरा जेल कद्दूकस करके इसी तरीके से निकाला है जिस तरीके से खीरा को कद्दूकस किया है। ये देखिए एकदम से फ्रेश है, आपको फ्रेश जेल का ही काम में लेना है। जो भी प्रिजर्व किया हुआ जेल होता है या क्रीम होती है उसको काम में नहीं लेता। अनुसार खीरा का जूस मिलाना है इसके अंदर। मैं 1 चम्मच खीरा का जूस मिलाऊंगी। इसको अच्छे से मिक्स करना है। कि सबसे पहले आपको फेस को क्लीन करना है। मैंने यहाँ पे नीम को बॉईल करके जो उसका पानी होता है उसको रिजर्व कर रखा है फ्रिज में, तो उससे मैं अपने फेस को साफ करूंगी। आप सिंपल पानी से भी कर सकते हैं या जो भी आपके पास में क्लीनर या टोनर है उसे आप फेस को साफ कर सकते हैं। ये ओरिजिनल एलोवेरा है तो इसमें लार रहती है। इसको आपको 20 मिनट तक रखना है। और ये ओरिजिनल एलोवेरा जेल है तो इसमें स्किन में खिंचाव होगा, तो जैसे दूसरे फेस पे के लगा करके आप मतलब किसी भी तरह की बातचीत नहीं करते हैं, तो उसी तरीके से इसको लगा के रखना है, वरना स्किन में खिंचाव होता है। और आप लगा करके किसी तरह का कोई एक्सप्रेशन फेस का करते हैं या बातचीत करते हैं तो इससे रिंकल्स पड़ने की संभावना रहती है। 20 मिनट के बाद में आप नॉर्मल गुनगुने पानी से उसको वॉश करें। जो भी क्रीम या मॉइस्चराइजर आप यूज में लेते हैं उसको आप लगाएं। आज की होम रेमेडी आपको कैसे लगी, कमेंट पूरा वॉश करने के बाद में मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये होम रेमेडी कैसी लगी। ये सिर्फ दो ही चीजों से मिलके बनी है, इसमें कुछ भी अलग प्रकार की कोई भी चीज नहीं है। इसको आसानी से आप घर पे बना के इसको वीक में कम से कम 5 दिन या हमेशा, जैसे आपका ज्यादातर काम धूप का होता है तो आप रोज शाम को आके हमेशा इसको यूज कर सकते हैं। इससे किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। अगले सेशन में फिर से मिलते हैं ऐसी किसी नई होम रेमेडी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।